नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हम हैं दुनाव से ऊपर और यहाँ नीचे चलते हैं जहाँ पे दो नदियों का संगम है और नीचे पावर हाउस भी है, तो वहाँ चलते हैं। और बाबा जो जसवंत सिंह जी का उनका स्टेचू भी है और महादेव जी का मंदिर भी है फिर दुनाव महादेव। और यहाँ पे लिखा है UJVN लिमिटेड उत्तराखंड सरकार का उपक्रम दुनाव लघु जल विद्युत परियोजना विद्युत ग्रह स्थल नीचे है। यहाँ दौड़ मत लगाओ। हाँ दीप्ति दौड़ मत लगाओ। ऐसे मत कर बार बार। तो चलते हैं नीचे, ग्रिल लगी हुई है और ये है यहाँ पे पावर हाउस और ये है महादेव जी का मंदिर। तो चलो आओ नीचे की तरफ से दिखाते हैं। और यहाँ पे ऊपर सड़क का निर्माण हो रहा है जो कि भटवाड़ो से आती है तो पत्थर तोड़े जा रहे हैं। यहाँ पे है महादेव जी का मंदिर। तू कहाँ चल रहा है ऊपर नीचे का? लदड़ में घुस जाला ना, ये तो गेट तो खुला। चल चल और यहाँ यहाँ पे है बाबा जसवंत सिंह जी की मूर्ति। जय हो। बाबा जी को मारो सलूट। चलो हाँ आ जाओ। जय हिंद करना। जय हिंद। मेरे पापा कहाँ जा रहे? तू बाइक में? तेरे पापा की बाइक है? हाँ। तेरे पापा यहाँ पे काम करते हैं? और मेरे पापा। अच्छा। यहाँ पे पीपल का पेड़। यहाँ पे है UJVN लिमिटेड राम प्रसाद नौटियाल लघु जल उद्योग विद्युत परियोजना 2x750 किलोवाट दुनाव पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। ये पावर हाउस का ऑफिस है यहाँ पे नीचे। और ये है महादेव जी का मंदिर। नहीं पहुंच पा रही। जय शिव शंकर, जय श्री राम, जय सीता मैया, जय कृष्ण भगवान, जय राधा मैया, जय रघुवंशी मैया, जय शिव शंकर। तो यहाँ पे शिव जी की मूर्ति स्थापित की गई है। हाँ यहाँ पे है कलश। जय हो, जय शिव शंकर। इतनी सारी घंटियां हैं यहाँ पे और ये दिखती है भोलेनाथ जी का मंदिर। ये भोलेनाथ जी है और ये भोलेनाथ जी का त्रिशूल है। और अब चलो आ जाओ, तेरे भी डालना है। हाँ, ये चल।
अच्छा ठीक लगा रहा ठीक हाँ ठीक लगा रहा जय शिव शंकर ठीक नहीं लगाई है और यहाँ पे स्थापित गए हैं नंदी बाबा जय जय नंदी बाबा क्या बोलते हैं कान में कान में बोलते हैं चल तुम्हें किसने सिखाया मांझ है कहा जाता है कि यहाँ पे जो नंदी बाबा के कानों में बोला जाता है बोला अगर नंदी बाबा उसकी सुन लेते तो बहुत मनोकामना पूर्ण हो जाती है। हाँ यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित की गई है ऊपर से छतर भी बनाया गया और यहाँ पे है भैरव बाबा का मंदिर कैसे वहाँ पे पत्थर के नीचे बनाया गया है जय भैरव बाबा भैरव बाबा ये पत्थर है ये पत्थर है ऊपर और इसके नीचे बनाया मंदिर वो वहाँ मजा मधुमक्खी मत देख बहुत डर लगती है और ये है धुन्नी कुटिया तो यहाँ पे संतू बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है और इधर माई की कहा जाता है कि संतू बाबा ने इस मंदिर का निर्माण कराया था और यहाँ पे लिखा भी है श्री संतू बाबा कोरवी याल जी एवं शाकुंभरी देवी जी की इस समाधि का निर्माण वो मूर्ति स्थापना का पूर्ण कार्य पोखरियाल परिवार ग्राम कांडा द्वारा दिनांक 13/8/2018 को किया गया तो इन्हीं बाबा ने यहाँ दुनाव मंदिर की स्थापना की थी शुरुआत में यहाँ पे है ये यज्ञशाला दुनाव हवन कुंड और यहाँ पीपल के पेड़ है जितने भी वो हैं दो हिस्सों में हैं जैसे एक नर और मादा और इस तरफ है एक पीपल का पेड़ ये भी एक इधर है और एक इधर है और एक पीपल का पेड़ इधर भी है वो भी एक इधर है एक इधर है तो इधर है ये खटलगढ़ नदी और इधर से आ रही है ये साइड से नयार नदी और खटलगढ़ नदी आती है रसिया महादेव की तरफ से और नयार नदी आती है बैजरो की तरफ से तो इन दोनों नदियों का यहाँ पे संगम है और ये देखो पावर हाउस के अंदर से आ रहा है पानी जिसका प्रयोग बिजली के लिए किया जाता है ये पावर हाउस है और इसके नीचे से पानी आ रहा है कैसे कूद रहा है तो बंदर की तरह फिर इतनी जल्दी पहुंच जा रहा है तेरी आवाज नहीं आ रही मजा आ रहा है जबरदस्त पानी है यहाँ पे और ये पानी पता नहीं आगे तक कहाँ जाता है सतपुली की तरफ तो इधर से चलते हैं वापस और एक कैसा पत्थर हो रखा है फिसलन वाला पानी से चल है ये लंगर बुंगई वाला रास्ता
और एक छोटा सा पुल है यहाँ पे बहुत पुराने जमाने का। हम नीचे यहाँ है बह रही है खटलगढ़ नदी। बाप रे तो हिलता भी है, झूला पुल है। इसकी हालत भी खराब लग रही है मुझे, इसकी हालत जर्जर हो चुकी है, बहुत तेज हिल रहा है। तो यह हाल खराब हो चुका है। फिर रास्ता खराब ही हो गया लगभग। ये देखो चक्कर पुल, ये चादर बिछाई गई है और तार गोल भी इधर का निकल गया है। ये सीमेंट और तार गोल का मिश्रण करके बनाया गया है और ये उखड़ गया सारा और पूरा हिल रहा है पुल। और वहां पे वहां से आए हम जहां पे दो नदियों का संगम है, खटलगढ़ नदी और नयार नदी का। ये रास्ता गया हम ऊपर, यहाँ लंगर भूंगे को। तो यहाँ दुनाव महादेव से चलते हैं ऊपर, सीढ़ियाँ लगी हुई है। चलो कितनी सीढ़ियाँ यहाँ पे, यहाँ पे है कम से कम 80-90 सीढ़ियाँ। तो इसकी चढ़ाई से हम ऊपर पहुंच गए सड़क पर। और इधर पहुंच चुके हम ऊपर गेट में और यहाँ पे लिखा है सिद्ध पीर दुनाव महादेव मंदिर। तो इधर भी है यहाँ पे एक स्मारक, यहाँ पे लिखा है राइफलमैन जसवंत सिंह रावत महावीर चक्र विजेता गढ़वाल के साक्षी सपूत जसवंत सिंह रावत की पुण्यस्थ में स्मृति में श्री सतपाल जी महाराज द्वारा उत्तराखंड को समर्पित। तो पहले यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई थी, आप नीचे मंदिर के सामने मूर्ति को यहाँ से वहाँ पे विस्थापित की गए। तो आज के ब्लॉग के यहीं पे करते हैं एंड, फिर मिलेंगे नए दिन के साथ एक नए ब्लॉग में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।